वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने ये वीडियो खोला है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना। इन दोनों चीज़ों से मेरी बहुत हेल्प होती है और ये चैनल को आगे पुश करने में मेरी मदद करता है। आज सैटरडे है और जैसे आप सबको पता है कि यूजुअली लोग वेंसडे और सैटरडेज को लेग डे मनाते हैं क्या, जैसे मैं बोल ऐसे रहा हूँ जैसे लोग सेलिब्रेट करते हो उस चीज़ को, मगर यूजुअली लोग वेंसडे और सैटरडेज को लेग डे लेग्स ट्रेन करते हैं। बट आज मेरा लेग डे फॉल हो रहा है, क्वाड एडिशन। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कुछ मशीन्स ऑक्यूपाइड होंगी मगर उतना कुछ बॉदर नहीं करेगा मुझे, क्योंकि मैं जिस टाइम पे ट्रेन करता हूँ जिम आधे से ज़्यादा खाली होता है। मैंने मेरी चेस्ट ट्रेनिंग में कुछ चेंजेस डाले हैं, वो इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा मेरी अपर चेस्ट पे फोकस करने लगा हूँ कि मैं किस तरह से उसे ग्रो कर सकता हूँ, मैं क्या छोटे छोटे चेंजेस ला सकता हूँ मेरे कुछ एंगल्स में जिससे मैं उसे काइंड ऑफ थोड़ा और ज़्यादा ट्रिगर कर पाऊँ। तो मुझे ऐसा फील होने लगा कि देखो पहले यहाँ पे ये बिना फ्लेक्स किए इतना पोर्शन नहीं दिखता था, ये बहुत फ्लैट है, यहाँ से मेरी चेस्ट इतना जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और अपर चेस्ट काफ़ी फ्लैट फील होती थी। पर मैंने देख रहे हो अच्छा लग रहा है ना, ये फिलअप होने लगा है अब, या तो फिर वो प्रोग्रेसिव ओवरलोड इतने सालों की वजह से होने लगा है, या तो फिर जैसा मैं सोच रहा हूँ जैसे मैंने कुछ एक दो चीज़ें छोटी छोटी सी चेंज की है उस वजह से हो रहा है, नहीं पता। पर जो भी हो रहा है रिजल्ट मिल रहा है, इस वजह से वो सारी चीज़ें मैं कंटिन्यू करूँगा। अब तैयार हो जाते हैं नीचे, पापा ने थोड़ी सी चाय बनाई है मेरे लिए आज, तो चाय पियेंगे बैठ के उनके साथ और जाते हैं नीचे। ठंडी इतनी बढ़ गई है और जनवरी में यूजुअली उत्तरायण से पहले बहुत काइंड ऑफ गर्मी शुरू हो जाती है और पीक विंटर अहमदाबाद में दिसंबर में होता है, इसलिए मैं शॉर्ट्स के ऊपर ट्रैक पहन के जिम जा रहा हूँ, उसके बाद वहां जाके चेंज कर लेंगे। एक छोटी सी ट्रिक जो मैं फॉलो करता हूँ, अगर आपके पास इतना ही प्री वर्कआउट या इतना ही प्रोटीन या कुछ भी बताओ, तो मैं इसी डब्बे में पानी मिक्स करके उसको शेक या स्टर करके इसी स्कूप के साथ ऐसे मिक्स करके फिर इसी में से पी जाता हूँ, क्योंकि ये प्री वर्कआउट प्रोटीन क्रिएटिन ये सारी ऐसी चीज़ें होती है ना कि हम अपने पैसे से खरीदते हैं या कुछ भी होता है कि हमें वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता मुझे तो स्पेशली इतना भी उतना वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, तो है बहुत कम, आधे स्कूप से भी बहुत कम है इसमें, मगर इसी में पानी डाल के पी जाएंगे। और मैं नेक्स्ट ना इग्नाइटर नहीं बाय करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जब कुछ महीनों पहले भी मैं इग्नाइटर यूज़ करता था तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, पर मुझे उस वक्त एक स्किन एलर्जी हुई थी तो वो उसका ट्रिगर पॉइंट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, पर वो मेडिकेशन से ठीक हो गया था। फिर जब मैं फिर से ये डब्बा लेके आया हूँ, ये ख़त्म होने वाला है, और ड्यूरिंग कंजम्पशन ऑफ दिस पाउडर मुझे फिर से वही स्किन एलर्जी हो गई, तो दिस विल बी प्रॉबेबली नहीं 100% माई लास्ट स्कूप ऑफ इग्नाइटर इन माई एंटायर लाइफ। मैं आज या कल जाकर दूसरा डब्बा ले आऊँगा तो मोस्टली शायद मैं मसल रेज ही लूंगा वापस से, या तो फिर कोई दूसरा ब्लेंड अगर मुझे प्री वर्कआउट्स में ट्राई करना, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं इन सारी चीज़ों में, बट आई एम गोइंग टू बाय फ्रॉम समथिंग विच इज़ ट्रस्टेड, या तो फिर उसके फुल प्रूफ सर्टिफिकेशन हो और डोजेजेस बहुत मिनिमल टू इस तरह से डोजेजेस हो उसके कि जो एक अच्छा किक अच्छा पंप दे और लेटर ऑन बहुत ही एक्सट्रीम क्रैश भी ना हो। तो जाएंगे जिम के बाद वो भी बाय करने, अभी इतना सा इसको फिनिश करके निकलते हैं। मेरा इतना ज़्यादा मन है ना आज किसी के साथ ट्रेन करने का कि मैं बहुत दिनों से अकेला जा रहा हूँ। आई थिंक आई नीड अ पार्टनर, चाहे वो कुछ अलग सेशन लगा रहा हो, अलग बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहा हो या कर रही हो, बस मैं किसी दोस्त के साथ आज बहुत जाने का मन कर रहा है मेरा किसी दोस्त के साथ। मैंने सुबह अमोल को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। यू नो दिस इज़ दी टाइम व्हेन यू रियलाइज के यार सब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सबके ऑफिसेज हैं, सब काइंड ऑफ अपने शेड्यूल पे अपना काम फिनिश कर रहे हैं, और हर बार आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि भाई आपका दोस्त या आपकी दोस्त आपके साथ हर जगह हो गई। फक सही में अमोल का फ़ोन आ रहा है ओ भाई एक मिनट। कुछ नहीं भाई, वो भी शाम को ही जिम जाएगा, उसने उसी वजह से फ़ोन किया था। हेलो भाई, यार मैं सिर्फ होप कर रहा हूँ कि कॉपीराइट ना हो जाए, मैंने वॉल्यूम कम करने का तो थोड़ा रिक्वेस्ट किया उन्होंने कि अभी से
बट मैं नहीं चाहता हूँ यार ये जिनके लैप में म्यूजिक सर वीडियो कॉपीराइट हो किसी भी तरह से। अभी इशू नहीं आएगा आई नो कि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं अभी हमारे, मगर फ्यूचर में आई नो कि जितने भी वीडियोस पर शायद कॉपीराइट लगा हुआ है, मतलब वो स्ट्राइक वाला नहीं है बट लगा हुआ है, उस पर कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। स्पॉट्स लगा था चलो जी। ये ना हिंदी गानों में ज्यादा इशू होता है मोस्टली, तो इंग्लिश वाले तो पता नहीं कुछ ना कुछ रिमिक्स यूट्यूब पे चलता रहता है, डिफरेंस नहीं बनाता उतना, बट हिंदी गानों में हो ही जाता है। अब मुझे सीखना पड़ेगा अच्छे से पूरा बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल कैसे कर सकता हूँ मैं, मेरे को कुछ भी करके सीखना पड़ेगा क्योंकि हर बार मैं जिम वालों से भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ कि वो लोग वॉल्यूम बताएं, और अभी जैसे कि 1:30 होने वाले तो जिम का क्लीनिंग टाइम होता है, तो पूरे आने वाले आई एम श्योर 15-20 मिनट तक वैक्यूम की बहुत ज़्यादा आवाज़ आने वाली है। बट कोई बात नहीं, देखो हमने सिंगल लेग एक्सटेंशंस लगा लिए हैं, लेग प्रेस लगा लिया है, और अब हम स्क्वाट्स करेंगे एमिंग फॉर 110 विदाउट अ स्क्वाटर बेल्ट के साथ और रिस्ट रैप के साथ, बट देखते हैं कितना पुश कर पाता हूँ मैं। लेट्स गो। बस भाई ये घूमरू कॉपीराइट ना मिल जाए। मोर हूँ कॉल आप इन दिस लाइट नहीं नहीं नो लास्ट सॉलिड बस थैंक यू। काफ़ी अच्छा स्क्वाट्स हुए, मुझे लगा कि मैं दो और निकाल पाता बट पता नहीं क्यों मैं रुक गया, उस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अभी। मैं ऑनेस्टली 6 की जगह 8 रेप निकाल पाता, इट वॉज वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वाड वाले लेग डे पे मैं 115 से अटेम्प्ट करना शुरू कर दूँगा, काफ़ी अच्छा फील हो रहा था मुझे। मैंने लास्ट टाइम जो पावर स्क्वाट का मशीन होता है, एक मिनट होप यू कैन सी, वो जो कॉर्नर पे वहाँ पर है दैट इज़ वेरी हम्बलिंग। उस पर मैंने रिवर्स खड़े होके जब अटेम्प्ट किया, मैं अभी करके दिखाता हूँ, तो विदाउट एनी वेट वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था ऑलरेडी, तो मैं वो परफॉर्म करने वाला हूँ बिफोर डबल लेग एक्सटेंशंस। देखो ये मशीन की बात कर रहा हूँ ना, इसमें यूजुअली लोग उल्टा खड़े होकर परफॉर्म करते हैं, पर जब मैंने अपने पैर यहाँ रख के अटेम्प्ट करने का ट्राई किया, तो आई होप मेरा चेहरा दिख रहा हो ना दिख रहा हो डजेंट मैटर, बट मेरी फट के हाथ में आ गई तब। ओके यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरह से, और ओह गॉड अरे डायरेक्ट इफेक्ट इसका क्वाड्स पे आ रहा है मुझे, और कहीं कुछ फील नहीं हो रहा, ना मेरी बैक पे, ना मेरे हैमस्ट्रिंग्स ग्लूट्स, कहीं नहीं, सिर्फ एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है ना वहाँ पे आ रहा है। इट इज़ प्रिटी much more very extremely humbling. चलो 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6 आई थिंक इसमें आई स्टार्ट विथ 10 kg ईच साइड। ये ऑनेस्टली बेस्ट है, नो म्यूज़िक, ये अच्छा लगता है। काफ़ी लेट बंद किया आज उन्होंने, 2 बजे हैं, मैं सॉरी लंच के लिए भी काफ़ी लेट हुआ, बट इट्स फाइन। मैं घर पे आज इन्फॉर्म करके आया था कि आई विल बी वेरी लेट टुडे। जय बजरंगबली, लेट्स गो। मैं
कभी नहीं छोड़ रहा. आई विल ऑलवेज ऑलवेज परफॉर्म दिस एक्सरसाइज नाउ. बहुत अच्छी है. आई थिंक आफ्टर लेग एक्सटेंशंस दिस हैज टू बी माय फेवरेट. इट विल. पहले हमेशा स्क्वाट रहेगा. स्क्वाट लेग एक्सटेंशंस और ये क्वाड्स के लिए. थ्री फोर. एक और. ओह बाप रे. नाइस. मैं जब एक्टिवा से जिम आ रहा था रास्ते में तो पता है यू गेट रैंडम वेरी रैंडम थॉट्स के ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा. तो मैं ऐसे ही एक ख्याल आया कि अगर मैं जब तक बुढ़ा हो जाऊँ या भगवान ना करे ऐसा कभी कुछ हो कि रैंडम टाइम पे कभी मेरी डेथ हो जाए तो ये जो सारे वीडियोस हैं ना अगर यूट्यूब रहा तब तक तो होपफुली रहे यूट्यूब तब तक तो ये सारे वीडियोस मेरी लेगेसी और मेरी लाइफ और मेरी मेमोरी दिखा सकते हैं सबको. और वो इतनी इतनी अमेजिंग बात है ना कि जिस किसी भी दिन मैं अगर गया जाऊंगा ही, सबको किसी ना किसी दिन जाना ही पड़ता है, बट तब जितने भी मेरी फैमिली मेरे लव्ड वंस है या यूट्यूब पे जो लोग मुझे देखते आए हैं भाई ये रहेगा, वो फेड नहीं होगा. शायद मेरे मरने के 10 15 20 साल बाद हो जाए बट सॉलिड बात है. नहीं डॉक्यूमेंट करो अपने आप को. दैट्स इट. एकदम पीछे सीट. फुल स्ट्रेच फुल स्क्वीज 100 केजीस. चलो भाई. मेरे पास रेप काउंट नहीं है. क्यों आता हूं मैं यहाँ पे. पता नहीं क्यों आता हूं मैं यहाँ पे.
फ्रेंड्स। शावर ले लिया है मैंने, लंच भी फिनिश हो गया है और अब बस जो रूम में ये सारे कपड़े आ चुके हैं उसे कबर्ड में रखते हैं, वीडियो एडिट करते हैं और मैं आप सबसे मिलूंगा जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।